दर्शकबिन नमस्कार, म अनुषा गुरुङ सिलगढी एनएसए न्यूजमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् आजको प्रमुख समाचार। आज सिलगढीमा दार्जिलिङ जिल्ला युवा कङ्ग्रेस कमिटीद्वारा मिलनपल्ली स्थित बिजुली विभाग कार्यालयमा ज्ञानपत्र चढाए। उक्त ज्ञानपत्र चढाउनेको मूल उद्देश्य विगत वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण स्कुल कलेज बन्द रहेको थियो भने अहिले वर्तमान स्थिति सामान्य भए तापनि आजबाट क्लास 11 परीक्षा सिबिएसई अनि आइसिएसईका अनलाइन परीक्षा आरम्भ हुन गइरहेको छ। यसै कुरालाई केन्द्र गरी बिजुलीको प्रवाह सामान्य गरिदिने अनि संक्रमण कालमा बिजुलीको बिल नातिरहेको अवस्थामा यस समय बिजुली नकाटिदिने अनुरोध दार्जिलिङ जिल्ला युवा कङ्ग्रेस कमिटीका कार्यकारी अध्यक्ष रोहित तिवारीद्वारा बताएका छन्। आज हम लोग गांधीवादी तरीके से यहाँ पर विद्युत विभाग में आए हैं और हम लोग एक ज्ञापन सौंपेंगे। इस प्रकार से आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही कोरोना जो अपने चरम पे थी, धीरे धीरे आदमी अपने सामान्य जीवन में वापस लौट रहे हैं और जितनी भी स्कूल है सीबीएसई और आईसीएसई के सभी स्कूल के छात्र छात्राएं अभी ऑनलाइन एग्जाम चालू हो गए। इसी संबंध में हम लोग यहाँ पे मैनेजर साहब को एक ज्ञापन देंगे कि किसी भी घर में विद्युत कट ना किया जाए। आप देख रहे होंगे हर एक मोहल्ला वाइज 8 घंटा 9 घंटा विद्युत कट किया जाए। तो इस प्रकार से अगर इलेक्ट्रिक कट होता है तो कैसे करके बच्चे अपना एग्ज़ाम दे पाए, इसी संबंध में आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और दूसरा जिस रेसिडेंशियल जिसका इलेक्ट्रिक बिल बाकी हो उनके कम से कम 1-2 महीना का छूट दिया जाए, माफ़ ना किया जाए, छूट दिया जाए ताकि जो गरीब आदमी है उनको 1-2 महीना उनमें अगर पैसा ना लिया जा सके। बहुत आदमी ऐसे हैं निर्धन है जिनके पास तुरंत पैसा देने के पास पैसा नहीं है, 1-2 महीना उनके लिए छूट दिया जाए ताकि वो पैसा जुगाड़ करके बाद में इलेक्ट्रिक बिल जमा करके संग संग कटे ना हो ताकि उनकी बच्चे की पढ़ाई हैम्पर ना हो। आज आप लोग गुलाब लिए हुए हैं तो इसका क्या कारण है? गुलाब यही है कि मैट्रिक वेट करने जा रहे हैं, हम मैट्रिक वेट करेंगे, मैट्रिक वेट करके हम लोग बोलेंगे हमारी जो मांगे हैं इसको मांगी जाए। ये जायज़ मांग है, ये दार्जिलिंग जिला साथ में सिलीगुड़ी हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है, हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है, यही मांग खत्म हो रहा है। क्या आपका नाम डेजिग्नेशन? रोहित तिवारी, दार्जिलिंग जिला युवा अध्यक्ष। दिक्कत हो रही है फिलहाल? भैया ने बोला कि आगे एग्जाम है आपका भी ऑनलाइन? एग्जाम है ऑनलाइन। अच्छा, इलाके में बिजली कट रही है क्या? बहुत कट रही है। इसी के समर्थन में आ जाए on the way.